नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रगति द्विवेदी। पबजी मोबाइल के दीवानों का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने पबजी को बैन कर दिया था। हालांकि पबजी के दीवानों को अभी भी उसकी वापसी का इंतजार है। लेकिन आपको बता दें कि पबजी मोबाइल पर भारत सरकार द्वारा लगाया गया बैन परमानेंट हो सकता है। पिछले साल के आखिर से माना जा रहा था कि पबजी मोबाइल इंडिया में वापसी कर सकता है, क्योंकि इस गेम की ऑफिशियल साइट पर भी इस गेम के लिए जल्द आने की बात यानी कि कमिंग सून लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। मीडिया सोर्स से पता चल रहा है कि पबजी मोबाइल गेम वापस नहीं आ सकता है। सरकार के पास इस गेम पर लगे बैन को हटाने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि कुछ सोर्स से ये भी पता चला है कि फिलहाल पबजी कॉरपोरेशन की टीम द्वारा अभी सरकार से बात नहीं की गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत से टिकटॉक का बोरिया बिस्तर भी बनने जा रहा है। इस चीनी ऐप का कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया है। टिकटॉक की ओर से जानकारी दी गई है कि देश में 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी होगी। टिकटॉक उन 59 चीनी ऐप्स में से शामिल है जिसे सरकार ने स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। ये सबसे लोकप्रिय ऐप में से एक था। हालांकि वहीं टिकटॉक की ओर से कहा गया है कि हम लगातार कोशिश करते हैं कि हमारे ऐप कानूनों का पालन करें और जो भी चिंताएं हैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करें। फिलहाल पबजी और टिकटॉक को भारत बाय बाय बोल चुका है और उसकी वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। टेक्नोलॉजी से जुड़ी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष और टीवी 9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर।